नमस्कार, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पैंथियन एडु। वीडियो को ओपन किया है तो पूरा वीडियो देख के जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना और हाँ, हो सके तो इसको शेयर भी जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप हिल स्टेशन गए होंगे या जाते रहते होंगे तो वहां पे आपने वहां के एक खास बात जरूर नोटिस की होगी। वहां पे मकान, होटल या दुकान जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके बनाने का एक खास तरीका होता है। वो पहाड़ों की ढाल को काट के बनाया जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि वहां पे खाली जमीन बहुत कम मिलती है, प्लेन एरिया हमारी तरफ होता नहीं है, तो उन एरियाज में एक ही ऑप्शन बचता है कि पहाड़ों को काट करके ही कंस्ट्रक्शंस किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी इसमें एक खास पैटर्न आपको नजर आएगा। ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ढलान के निचले हिस्से पे नहीं बनते हैं बल्कि ऊपर के हिस्से पे बनते हैं। ये घाटियों के में कंस्ट्रक्शंस को अवॉइड किया जाता है और हमेशा देखोगे कि स्लोप के ऊपरी हिस्से पे कंस्ट्रक्शंस को किया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन हमें मिलेगा ज्योग्राफी में। समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे इसका क्या कारण होता है। दोस्तों, होता यह है कि पहाड़ी एरियाज में दिन के समय में सूरज की रोशनी से पहाड़ी ढाल और घाटी पे अच्छी धूप लगती है तो वो हिस्सा अच्छी तरीके से तप जाता है और गर्म हो जाता है। रात के समय में ये सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो जाती है। रात के समय में दिन ढलने के बाद जब सूरज नहीं रहता है, अंधेरा होने के बाद, घाटी और पहाड़ के ढाल ने जितना भी हीट को एब्जॉर्ब किया है उसको वो वापस रेडिएट करते हैं। ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। अब इससे होता यह है कि जो हिस्सा रात दिन भर गर्म हुआ था वो रात में पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक एकदम कूल सरफेस, कोल्ड सरफेस होता है और नीचे का टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है घाटी का और लोअर स्लोप का, कभी कभी ये माइनस यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। अब होता यह है कि जब हवा निचले हिस्से के कॉन्टैक्ट में आती है वो गर्म हो जाती है और पहाड़ी के ढाल से धीरे धीरे नीचे की ओर आती है और नीचे में जो गर्म हवा होती है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर देती है और नतीजा ये होता है कि घाटी का निचला हिस्सा और निचली ढाल के कॉन्टैक्ट में जो हवा आती है वो काफी ठंडी हो जाती है और ऊपर का हिस्सा गर्म हो जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसा बनता है कि निचले हिस्से में टेम्परेचर जो होता है वो काफी लो होता है और ऊपर के हिस्से में टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है, यानी वहां पे थोड़ी सी गर्मी होती है। ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इसको थर्मल इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि तापमान नॉर्मल केस में नीचे से ऊपर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो तापमान घटता चला जाता है, लेकिन घाटी में इस कंडीशन में तापमान ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब इसी वजह से ऊपर का हिस्सा रहने लायक हो जाता है और नीचे का हिस्सा काफी ठंडा हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है, क्योंकि ऊपर एक गर्म हवा का लेयर होता है और नीचे की हवा जो होती है वो काफी ठंडी हो जाती है। इसीलिए कंस्ट्रक्शंस के लिए आइडियल जगह पहाड़ी ढलान का ऊपरी हिस्सा होता है, ना कि घाटी और लोअर स्लोप। इसीलिए आप देखोगे कि होटल हो, चाहे मकान हो, चाहे और कोई कंस्ट्रक्शंस हो, वो ऊपर के हिस्से में आपको ज्यादा दिखाई देगा। इनफैक्ट रेट भी हाई होती है जैसे जैसे आप ऊपर के रिसोर्ट्स की तरफ बढ़ोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे कि सेब के बागान भी होते हैं तो वो निचली ढलान और घाटी में नहीं बनाए जाते हैं बल्कि ऊपर में उसकी खेती की जाती है, क्योंकि रात में ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि पाला पड़ता है और पौधे जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसी वजह से आपको ज्यादातर हैबिटेशन जो होती है, ज्यादातर सेटलमेंट आप जो देखोगे वो ऊपरी हिस्से में दिखाई देती है। प्रिटी सिंपल, इसका कारण बहुत सिंपल होता है। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आने वाले वीडियो सीरीज में हम और भी किसी किसी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशंस को करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पैंथियन एडु। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो के बारे में जो आपकी ओपिनियन है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। Thank you very much.